बच्चा पाहुल प्रीत कौर। पाहुल प्रीत ने अपनी कविता नाली मेरे ख्याल बड़ी पुरानी कविता थी पिताजी है। हाँ जी ताड़ी नहीं मार रही थी जो क्या लेना है ताड़ी नहीं बोले एक बच्चा थी अनंत वीर सिंह जिन्हें पेपर अटेम्प्ट किया चाहे जीवन का मर्जी लिखा उन्हें बट आज आया नहीं बच्चा आज गत्ते से गया है अखाड़े बड़े में बिजन थे। अगला बच्चा है साढ़ा सबको शरारती बच्चा जफखान सिंह आया जफखान पार्ट है क्लास का देखते ने कि आज वीर जी बैठे ने मैं नाल बैठा है ना ते बट इन्ना कुछ सीख लिया तो मैं हैरान सी कमाल है पेपर अटैम्प्ट कर लिया वाला शायद मैं भी नहीं कर सकता पेपर अटैम्प्ट जोड़ा इन्होंने किया हूँ असं बच्चे बुलावे जी जिन्होंने जिन्होंने सू सब तंग किया तंग इन द सेंस कि पेपर चेक करते सू समझ नहीं आ रहा इन्होंने किमें नंबर घटाई आना पर अच्छे इन्होंने किए सब बच्चे ने तो उसी चो सब तो पहले मैं बुलावगा कोमलप्रीत कौर बहुत कमाल से मतलब ऐसा लग रहा है कि जिम्मे जान पाती है उसी पूरी तरह। अगला बच्चा है जी जरा ऑनलाइन है बच्चा जसदीप सिंह हरमंदर सिंह जा रहे सब तो घट बोलते हैं हरे क्लास पूरी क्लास अगर बोलना पैदा है कि हरमंदर ऑनलाइन यार कैमरा ऑन कर लें तो बोलना पैदा। हाँ जी अगला बच्चा है जी गुरकीरत आई नहीं है सिमरप्रीत सिंह बच्चा अगर जुड़िया हुआ है अगर बेंगलोर का बच्चा है और मेरे ख्याल जपन तो थोड़ा जहाँ वाडा होगा लेकिन पिताजी वो बेंगलोर बैठा है जिते सिखी गिनती भी बड़ी घट हैगी है वो बच्चा कहें कि मेरे फ्रेंड कौन है हरमंदर प्लीज वो कहें मेरे दोस्त कौन है मेरे दोस्त कौन है कहने कहते मेरे सबसे मेरे फ्रेंड पक्के मेरे दोस्त हैं बाबा फतेह सिंह जी मतलब कि बच्चे मूवी दिखा के पेरेंट्स ने इन्ना काम किया है कि बच्चे लगता है कि मैं कोई भी गल करनी है ना अपने बेस्ट फ्रेंड नाल मैं तो गल्ला करना ना करना गल ए देखो ए पता नहीं कि कड़ी रूह है किस जज्बे नाल गल कर रहे हैं की गल मैं नहीं पता लेकिन यह पेरेंट का एफर्ट है कि पेरेंट ने उसनों जोड़िया बच्चे तो इन्नी दूर बह के जिते जिसे मना को गुरद्वारा साहब उन्होंने गल तो गलत 40 किलोमीटर दूर है सर जी बड़ी दूर गुरद्वारा साहब है मेन गुरद्वारा है तो जिसे संगत बड़ी घट है कि गिनती तो बहुत कुछ परिवार होंगे सिखा दे असं तो हब ही बैठे हाँ फिर असं बच्चों नहीं जुड़ पा रहे अपने बच्चों किसी आप नहीं जुड़ते हैं। सिमरप्रीत सिंह बाबा कमाल मनरीत बच्ची जिन्हें जिसे मैं कहा तुम बच्चों कि नहीं बच्चे प्लीज जिसे मैं पहले कहा कि बच्चे है कि असी गुरमुख जाना है मनरीत बच्ची जी आज आई नहीं किसी कारण पक्षों तो उन्हें पहले सोचा कि मैं डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर बन के आम डॉक्टर नहीं बनना पैसा कमा का मैं सेवा करनी है इस भावना डॉक्टरी की अपना सब एक सपना संजो के बैठी है तो मेहनत भी कर रहे पक्को। मिथांश जरा बीजी ने कहा कि जामनगर का बच्चा सिंधी परिवार का बच्चा तो पिता जी वो बच्चे अब भी परफॉर्मेंस कर गया उ बच्चा जोड़ा है जिन्हों घट्टो घट मेरे को 20 तो ज़्यादा बाणिया कंठ है बच्चे सिंधी परिवार का बच्चा है नितिन सारी बाणिया कंठ है श्लोक मनु नौवा कंठ है तो जिन्हें प्रतारक जामनगर जाते हैं 8 साल 8 या 9 साल उम्र है बच्चे की वो मदर माता जी मतलब कि सिंधी परिवार के ने तो इन्ना ज़्यादा उससे फोकस करते हैं मतलब कि बच्चे किमें उन्होंने जोड़ा भी प्रचारक जाता है रागी सिंह जाता है उन्होंने स्पेशली मिलता है जाके वो रागी सिंह प्यार दें कि बच्चा तो कमाल है और दिल्ली जी राजौरीगढ़ क्लासा लगती थी ऑनलाइन उसकी क्लासा भी अटेंड करता वो उतो जामनगर तो
ਨਿਤਨੇ ਨੰਬਰ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਨਵੀਨ ਕੌਰ ਤਨਵੀਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਡੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਜਗਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਤਨਵੀਨ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਨਵੀਨ ਕਿਵੇਂ ਸਜਗ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮਨਵੀਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵੀਰ ਫਤਿਹ ਭਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਲੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੈਣ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਨੂ ਕਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ